हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस, आज भी हम AEW कंपनी के कुछ बहुत ही बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये सिलसिला और कुछ दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि उसके बाद आपको हमारे चैनल के ऊपर 2-3 स्पेशल वीडियोस भी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जहां तक बात है आज के AEW के अपडेट्स की, तो गाइस आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या AEW अपने कंपनी के अंदर कौन सी नई चैंपियनशिप लाने वाली है या नहीं, और TNT नेटवर्क छोड़कर TBS नेटवर्क के ऊपर जाने के बाद AEW अपने TNT चैंपियनशिप का क्या करने वाली है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ने AEW कंपनी से रिटायर होने की धमकी क्यों दी है, और एक AEW सुपरस्टार ने तो AEW कंपनी क्विट ही कर दी है। जिसके साथ ही मेरे पास किप्सेबियन की इंजरी को लेकर एक अपडेट है कि कब तक हमें किप्सेबियन AEW कंपनी में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और फाइनली जॉन मॉक्सली और एने यंग ने डिसाइड कर लिया है कि वो उनकी बेटी का नाम क्या रखने वाले हैं। तो गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें किप्सेबियन कब तक AEW कंपनी में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि किप्सेबियन और मीरो AEW कंपनी में एक टैग टीम के तौर पर काम कर रहे थे। पर मार्च 17 को किप्सेबियन ने किसी तरीके से अपने आप को AEW के डायनामाइट शो के ऊपर इंजर्ड कर लिया था, जिसके बाद किप्सेबियन को एक सर्जरी की जरूरत थी और किप्सेबियन को टेलीविजन से ऑफ दिखाने के लिए AEW ने किप्सेबियन और मीरो के बीच में एक एंगल दिखाया था, जिस एंगल के अंदर मीरो ने किप्सेबियन के हाथ के ऊपर एक दरवाजा काफी जोरदार तरीके से पटका था, जिस एंगल के साथ AEW किप्सेबियन को अपने डायनामाइट शो से ऑफ रख सकती है। पर इसके बाद हाल ही में अपनी इंजरी के बारे में एक अपडेट देते हुए किप्सेबियन ने कहा था कि किप्सेबियन की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है और अब किप्सेबियन रिकवरी प्रोसेस में है। पर गाइज, हाल ही में किप्सेबियन की इस इंजरी के ऊपर बात करते हुए रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के अंदर किप्सेबियन की इस इंजरी को लेकर थोड़ी फार और डिटेल शेयर किए हैं। और यहाँ पर बात करते हुए डेव मैडजर ने बताया कि किप्सेबियन को उनके राइट शोल्डर के अंदर इंजरी हो चुकी है और इसी इंजरी की सर्जरी हाल ही में किप्सेबियन ने करवाई है। लेकिन जहाँ तक बात है किप्सेबियन के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रिटर्न की, तो यहाँ पर किप्सेबियन के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रिटर्न को लेकर बात करते हुए डेव मैडजर ने बताया कि किप्सेबियन को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए प्रोबेबली करीब करीब आधे साल यानी कि करीब करीब 6 महीनों का टाइम लग सकता है, और हमें प्रोबेबली आने वाले 6 महीनों तक किप्सेबियन AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं दिखाई देने वाले। जो अपडेट हाल ही में डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर किप्सेबियन की इंजरी के बारे में बात करते हुए बताई है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस किप्सेबियन प्रोबेबली आने वाले 6 महीनों तक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आने वाले, जो कि देखा जाए तो काफी ज्यादा टाइम होता है। लेकिन गाइस, मैं होप करता हूं कि किप्सेबियन के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रिटर्न के बाद हमें किप्सेबियन और उनके फॉर्मर फ्रेंड मीरो के बीच में उनके TNT चैंपियनशिप के लिए काफी बढ़िया फ्यूड देखने को मिले। पर किप्सेबियन की इस रिकवरी प्रोसेस के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि AEW सुपरस्टार और AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने AEW कंपनी से रिटायर होने की धमकी क्यों दी है। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि कोई ना कोई रेसलर अपने रेसलिंग करियर के अंदर एक सर्टन टाइम के बाद रिटायर हो ही जाता है। पर हाल ही में अपने रेसलिंग करियर के ऊपर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने AEW कंपनी को एक धमकी दे दी है, और इस धमकी में बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर लिखा कि अगर क्रिश्चियन केज को डॉक्टर ब्रिट बेकर से पहले एक्शन फिगर मिलता है तो फिर डॉक्टर ब्रिट बेकर रिटायर हो जाएंगी, जो धमकी डॉक्टर ब्रिट बेकर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू AEW कंपनी को दी है। और गाइज, अगर यहाँ पर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर ब्रिट बेकर की यह धमकी देने का रीजन कोई वैलिड रीजन है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर का कहना है कि अगर क्रिश्चियन केज को डॉक्टर ब्रिट बेकर से पहले एक्शन फिगर मिला तो ब्रिट बेकर रिटायर हो जाएंगी, जो कि मुझे लगता है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर की तरफ से एक जोक ही था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई रेसलर इतने सिली रीजन के लिए रिटायर होता है। पर इसके ऊपर हमें थंडर रोजा की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग जवाब देखने को मिला है, और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर की इस कमेंट को रिप्लाई देते हुए थंडर रोजा ने कहा कि वैसे भी डॉक्टर ब्रिट बेकर के रेसल करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर ब्रिट बेकर को काफी जल्दी रिटायर हो जाना चाहिए, जो देखा जाए तो एक काफी सैवेज रिप्लाई थंडर रोजा ने यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर को दिया है। और वैसे भी हमें पता है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा के बीच में कितनी बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है, और AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे को काफी ज्यादा हेट करते हैं, और प्रोबेबली यहाँ पर यही कैफेब जिंदा रखते हुए थंडर रोजा ने ट्वीट किया है। जिस ट्विटर एक्सचेंज के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। और क्या आपको लगता है कि अगर क्रिश्चियन केज को डॉक्टर ब्रिट बेकर से पहले एक्शन फिगर मिलता है तो क्या डॉक्टर ब्रिट बेकर सच में रिटायर हो जाने वाली है या नहीं। पर गाइज, वही दूसरी तरफ AEW के एक रेसलर ने सच में AEW कंपनी क्विट कर दी है, और गाइज ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि FTR के 1/2 डैक्स हारूड है, जिन्होंने हाल ही में AEW कंपनी के अंदर अपने बुकिंग को क्रिटिसाइज किया था और उन्हें लग रहा था कि वो काफी दिनों से AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए टॉप 5 कंटेंडर्स के लिस्ट में नंबर 5
ऊपर है, लेकिन उन्हें AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका नहीं मिल रहा। और इसी को लेकर बात करते हुए डैक्स हारूड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के अंदर डैक्स हारूड ने लिखा कि AEW कंपनी के अंदर FTR को AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका नहीं मिल रहा, जिससे कि डैक्स हारूड काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और अगर FTR को AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका नहीं मिलता तो फिर डैक्स हारूड रेसलिंग क्विट करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर डैक्स हारूड ने हाल ही में अपने लेटेस्ट ट्वीट के अंदर लिखी थी। पर ये ट्वीट करने के बाद थोड़ी ही देर बाद डैक्स हारूड ने एक और ट्वीट किया और यहाँ पर डैक्स हारूड ने लिखा कि डैक्स हारूड AEW कंपनी क्विट कर रहे हैं, जिसके बाद सभी को लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर डैक्स हारूड AEW कंपनी के अंदर अपने बुकिंग से काफी ज्यादा नाराज है और यहाँ पर डैक्स हारूड ने AEW कंपनी सच में क्विट कर दी है। पर ये ट्वीट करने के बाद और थोड़ी देर से डैक्स हारूड ने एक और ट्वीट किया, जिस ट्वीट के अंदर डैक्स हारूड ने अपनी सिचुएशन क्लैरिफाई करते हुए लिखा कि थोड़ी देर पहले डैक्स हारूड को काफी ज्यादा चढ़ गई थी, इसीलिए ही नशे में डैक्स हारूड ने ट्वीट कर दिया है, जिसके लिए डैक्स हारूड सभी लोगों की माफी मांगते हैं और वो AEW कंपनी के अंदर काफी ज्यादा खुश है। जो बातें यहाँ पर डैक्स हारूड ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर लिखी है, जिससे कि एक टाइम पर डैक्स हारूड ने AEW कंपनी क्विट कर दी थी, लेकिन दूसरे टाइम पर डैक्स हारूड ने यह क्लियर कर दिया कि डैक्स ने ये सब चीजें नशे की हालत में की है। जिस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर डैक्स हारूड सच में नशे में थे या फिर उन पर किसी ने दबाव दिया था कि वो अपने ट्वीट को क्लैरिफाई करे? पर जहाँ तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे तो लगता है कि डैक्स हारूड यहाँ पर सच में ड्रंक थे और क्या पता यहाँ पर नशे की हालत में डैक्स हारूड ने कोई भी ट्वीट कर दिया होगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली और एनी यंग अपने बेटी का क्या नाम रखने वाले हैं। तो गाइज मैंने आपको हमारे चैनल के ऊपर अपडेट्स की वीडियो के अंदर काफी पहले ये बता दिया था कि जॉन मॉक्सली की वाइफ रेनी यंग प्रेग्नेंट है और आने वाले दिनों के अंदर जॉन मॉक्सली को एक बेटी होने वाली है। जो बात जॉन मॉक्सली और रेनी यंग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर पब्लिकली रिवील कर दी थी। पर हाल ही में रेनी यंग ने अपने पॉडकास्ट द ओरल सेशन के लेटेस्ट एपिसोड में रिवील कर दिया है कि रेनी यंग और जॉन मॉक्सली अपनी बेटी का नाम क्या रखने वाले हैं। और यहाँ पर अपने पॉडकास्ट के अंदर बात करते हुए रेनी यंग ने बताया कि रेनी यंग की पॉडकास्ट चलने के दौरान रेनी यंग की मदर रेनी यंग के बगल में आकर बैठी थी और यहाँ पर अपनी मदर को देखकर रेनी यंग को आइडिया आया कि क्यों ना रेनी यंग और जॉन मॉक्सली उनकी बेटी का नाम रेनी यंग के ग्रैंडमा के नाम के ऊपर रखे, जिससे कि रेनी यंग और जॉन मॉक्सली अपने ग्रैंडमा को एक ट्रिब्यूट दे पाए। जिस वजह से फाइनली यहाँ पर जॉन मॉक्सली और रेनी यंग ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी बेटी का नाम नोरा रखने वाले है। और गाइज अगर देखा जाए तो नोरा काफी अच्छा नाम है, जिसका रियल मतलब ऑनर या फिर प्राइड होता है। और जॉन मॉक्सली और रेनी यंग अपने डॉटर का नाम नोरा रखने वाले है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज जहाँ तक बात है मेरी, तो मैंने तो आपको अभी अभी बताया है कि गाइज मुझे यह नाम काफी ज्यादा पसंद आया है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या AEW अपने कंपनी के अंदर एक और नई चैंपियनशिप लाने वाली है या नहीं, और क्या AEW TNT नेटवर्क छोड़कर TBS नेटवर्क के ऊपर मूव होने के बाद अपनी TNT चैंपियनशिप का क्या करने वाली है। तो गाइज अगर आपने हमारी अपडेट्स की पिछली कुछ वीडियोस देखी है तो गाइज आपको पता होगा कि AEW कंपनी ने वार्नर मीडिया के साथ अपनी एक और नई डील साइन कर ली है, जिस डील के अंदर AEW का डायनामाइट शो साल 2022 से TNT नेटवर्क छोड़कर TBS नेटवर्क के ऊपर मूव होने वाला है। और इसी डील के अंदर AEW अपना एक और नया शो जिसका के नाम होने वाला है AEW रैम्पेज, वो शो 13 अगस्त से USA के अंदर वीकली हर फ्राइडे को शाम को 10 बजे लाने वाली है, जो कि एक घंटे का शो होने वाला है। पर AEW की इन सभी अनाउंसमेंट के बाद AEW के फैंस जानना चाहते थे कि क्या AEW TNT नेटवर्क छोड़कर TBS नेटवर्क के ऊपर जाने के बाद अपनी TNT चैंपियनशिप का क्या करने वाली है, कि क्या AEW TNT चैंपियनशिप रिटायर करने वाली है, और क्या AEW TNT चैंपियनशिप को चेंज कर अपनी एक और नई चैंपियनशिप TBS चैंपियनशिप लाने वाली है। क्योंकि AEW ने अपनी TNT चैंपियनशिप अपने नेटवर्क के नाम के ऊपर निकाली थी, तो सभी लोग अपने सवालों का जवाब जानना चाहते थे। और सभी AEW फैंस के इन सवालों का जवाब देते हुए हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडसन ने अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के अंदर बताया है कि माना कि नेक्स्ट ईयर AEW TNT नेटवर्क छोड़कर TBS नेटवर्क के ऊपर जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर AEW का TNT चैंपियनशिप को लेकर कोई प्लान नहीं है कि AEW अपने TNT चैंपियनशिप को रिटायर करने वाली है या फिर AEW अपने TNT चैंपियनशिप का नाम चेंज कर अपनी कंपनी के अंदर नई चैंपियनशिप यानी कि TBS चैंपियनशिप लाए। जो बात कहकर यहाँ पर डेव मैडसन ने क्लियर कर दिया है कि अगर AEW TNT नेटवर्क के ऊपर मुंह भी हो जाए तो फिर भी AEW अपने TNT चैंपियनशिप को रिटायर नहीं करने वाली और AEW की मिडकार्ड चैंपियनशिप हमेशा से ही TNT चैंपियनशिप रहने वाली है, जिससे तो ये क्लियर होता है कि गाइज AEW अपने TNT चैंपियनशिप को रिटायर नहीं करने वाली या फिर TNT चैंपियनशिप का नाम चेंज कर अपनी नई कोई TBS चैंपियनशिप नहीं लाने वाली, जिसके
पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइज जहाँ तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे लगता है कि AEW का काफी सही कदम है कि वो अपनी TNT चैंपियनशिप को नहीं चेंज करने वाले, क्योंकि अगर AEW अपने नेटवर्क चेंज के साथ हमेशा से ही अपनी मिडकार्ड चैंपियनशिप चेंज करती है तो गाइज इससे AEW की मिडकार्ड चैंपियनशिप की लेवल काफी ज्यादा ड्रॉप होती है, जो मैं होते हुए नहीं देखना चाहता। और मुझे यहाँ पर AEW का डिसीजन काफी ज्यादा पसंद आया है कि AEW अपनी TNT चैंपियनशिप नहीं चेंज करने वाली। पर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम हमारी वीडियो आने से भी पहले जानना चाहते हैं तो गाइज आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से भी पहले पता चलते हैं। और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला सभी कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलता है और आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर AEW के फुल मैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये सब सर्विसेज एकदम फ्री में पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और गाइज मैं आपको ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो क्या है क्यों है और कैसे है ये सब बातें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। तो गाइज ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?